ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्थप्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम करेंगे बातचीत, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, नागरिकता संशोधन बिल। नागरिकता संशोधन बिल जो आज लोकसभा के अंदर पारित हो रहा है, कल इसे कैबिनेट ने पारित किया था। जिस तरह से ये कैबिनेट में पारित हुआ, उसके तुरंत बाद हिंदुस्तान के अंदर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये बिल क्या है, कौन सी क्लाज है, इस बिल के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आज लोकसभा के अंदर भी ये बिल पेश हो रहा है, बहुत हंगामे के आसार हैं। अब हम देखेंगे कि इस बिल की कौन कौन सी क्लासेस हैं, तृतीय वाइज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। नागरिकता संशोधन बिल, इसके अंदर केंद्रीय सरकार ने ये कहा है कि जो लोग शरणार्थी हैं, दूसरी कंट्रीज में हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और साथ में और अफगानिस्तान हो गए, वहाँ पर जैसे अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो उनको हम हिंदुस्तान के अंदर उनको स्थायी नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा पेच यहाँ पर फंसता है कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों में क्रिश्चियंस, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन्स ये हैं, इनके अंदर इन्होंने मुसलमानों को ये इंक्लूड नहीं किया अल्पसंख्यक के अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि हिंदुस्तान में जो आबादी के हिसाब से हम देखा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यकों की परिभाषा आबादी के हिसाब से, रेशो के हिसाब से निर्धारित की जाती है, उसके हिसाब से उनका मानना है कि मुसलमान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है। जैसे ये बात पारित हुआ ये कैबिनेट में, उसके तुरंत बाद अपने कांग्रेस पार्टी, बहुत पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो मैक्सिमम जो सरकार के विरुद्ध जो पार्टियां गई हैं, उनमें है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, आरजेडी जो कि आरजेडी भी केंद्र सरकार के में गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी विरोध जताया। अब हम बात करेंगे ये पार्टियां क्यों विरोध जता रही हैं। कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, मानवता के साथ खिलवाड़ है, सभी पार्टियों को ये बात आ रही है। लेकिन जो हैदराबाद ओवैसी बंधु हैं, उन्होंने विरोध जताया, मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया, लेकिन ये बातें क्यों हो रही हैं, आप बातचीत करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हिंदुस्तान के, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले इस साइड में, यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के अपनी इकाई है, उन्होंने भी विरोध जताया। उनका ये कहना है कि इस बिल पास होने से हमारी जनसंख्या में कमी आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिल पारित करते समय हम पूर्वोत्तर राज्यों का हम ध्यान रखेंगे इस बारे में। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अब ये बिल क्या है, इस पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बिल वो लोग अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो हिंदुस्तान में आते हैं, उनको 6 साल के बाद स्थायी नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब पेच यहाँ पर ये फंसा हुआ है कि जो शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं, जो इधर बंगाल की तरफ आए, वेस्ट बंगाल में आए हैं या असम की तरफ गए हैं, क्या वो शरणार्थी माने जाएंगे कि घुसपैठिए माने जाएंगे। तो आज ये लोकसभा में बिल पारित हो रहा है, क्योंकि लोकसभा की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर भी अपने MPs, विपक्ष को इस बिल के बारे में संतुष्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि लोकसभा इसमें हंगामा भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकसभा में, इनका पूर्ण बहुमत है, यहाँ पर पारित हो सकता है बिल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ सकती है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 120 का बहुमत चाहिए इस बिल को पारित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास 81 है, बीजेपी के जो MPs हैं राज्यसभा में, और 39 और जरूरत पड़ेगी यहाँ पर बिल पास करने के लिए। अब हम बात करेंगे बिल पास होने के बाद क्या होगा। जब इसके बारे में जनता से राय ली गई, तो जनता के अलग अलग विश्लेषण हैं। लोगों ने कहा कि ये बिल ठीक है, इससे हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा हिंदुस्तान में कौन घुसपैठिए हैं, कौन शरणार्थी हैं, इसके बारे में लोगों ने अपना खुल के विचार दिया। आपने देखा भी होगा लोगों के विचार किस तरह के थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर बांटने की प्रक्रिया चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये गलत है। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात देखी जाए कि केंद्र सरकार का धारा 370 के बाद ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आज खेला जा रहा है, और बिल पास होने के बाद क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को ये पता चल जाएगा बिल पास होने के बाद कि ये लोग जो आ रहे हैं ये कितने घुसपैठिए हैं,
कितने यहाँ पर शरणार्थी हैं। शरणार्थियों को इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम इनको नागरिकता देंगे, उनकी टर्म कंडीशन रखी गई हैं। लेकिन अब सवाल होता है कि अगर ये बिल राष्ट्रपति से पास हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, कि अगर ये बिल, नागरिकता संशोधन बिल, राष्ट्रपति से पास हो जाता है कि जो रोहिंगा मुसलमान जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, जो असम की तरफ गए हैं, क्या सरकार इनको घुसपैठियों की श्रेणी में रखेगी? क्योंकि बिल के हिसाब से तो अल्पसंख्यक ही इसका फायदा लेंगे, जो अल्पसंख्यक नहीं है वो दूसरी श्रेणी में आएंगे। क्या वो शरणार्थी वापस अपने कंट्री जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है भविष्य के अंदर। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था केंद्र सरकार के लिए जो उन्होंने आज ये किया, और चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब देखना कि आज लोकसभा के अंदर इस बिल को, जो एक अहम बिल है, और बीजेपी ने आज अपने तमाम MPs को आज वो भी जारी कर दिया कि सभी यहाँ पर उपस्थित नहीं, किसी की एब्सेंस ना हो, यानी आज पूरी लाभ लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर ये बिल पास करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगी। हो सकता है कि ये बिल यहाँ से पास हो भी जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अब आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन एक बात जरूर है, ये बिल लोकसभा में जैसे ही पास होगा, उससे पहले सरकार को ये बात क्लियर करनी पड़ेगी, विपक्ष को भी, MPs को भी, अपने MPs को भी, कि घुसपैठियों और शरणार्थियों की क्या परिभाषा श्रेणी क्या है। इनको डिवाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को, अपने MPs को भी। लेकिन भविष्य के अंदर है ये ही मेरी, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।